आज मैं कराड की सतारा की महान भूमि पर आकर रोमांचित भी हूं, आनंदित भी हूं, क्योंकि हम सब जिनसे प्रेरणा लेते हैं ये शिव छत्रपति की स्वराज का संदेश ये सतारा की महान भूमि से अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक पहुंचा। ये वही भूमि है जिसने भगवा ध्वज का सम्मान न केवल महाराष्ट्र दिल्ली की उस और बिहार तक उड़ीसा तक पहुंचाने का काम इस सतारा की गादी ने किया था। शिव छत्रपति के स्वराज और स्वदेश के संदेश को जन जन तक पहुंचाया था और उस जमाने के अंदर शिव छत्रपति जैसे व्यक्ति ने गुलामी के कालखंड को चीरकर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने का साहस किया था। ये पवित्र भूमि को मैं आज बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, कोयना और कृष्णा के संगम पर ये जो नगर बसा है इसकी देवी कृष्णा माई को वंदन करकर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, अरे अतुल भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, नेताओं की पार्टी। क्या छोटे छोटे कार्यकर्ता ही इस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, ये राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, नीचे से देख लो सभी लोग पोस्टर चिपकाते चिपकाते नारा लगाते लगाते नेता बने हैं, कोई किसी के वंश के कारण नेता नहीं बना। और अतुल भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस महान पार्टी ने मुझे पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया, देश का गृह मंत्री बनाया, मेरी कैरियर की शुरुआत एक बूथ के अध्यक्ष से नाते मैंने शुरू की थी। आज मगर कराड़ वालों, आपको अतुल को जिताने के लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब एक बात कहना चाहता हूं। ये अतुल गत चुनाव के अंदर भी चुनाव हार चुका है, ये बात सही है, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, मगर एक बार विधायक बना दो बड़ा नेता बनाने का काम नहीं। आपने करार के इस मंच से कहकर जाता हूं, एक बार अतुल को आप विधायक बना दीजिए, महाराष्ट्र का नेता बनाने का काम। साहब, हमारे यहाँ एक वाकुल्डी की स्कीम है, वो वाकुल्डी के स्कीम का पानी इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को मिले इसके लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के पास हम डेलीगेशन लेके गए। भारतीय जनता पक्ष के सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और 8119 का स्कीम इस देश में लागू किया। 81% पैसे ये राज्य सरकार भरती है और 19% पैसे ये शेतकरी बांधवों को भरना पड़ता है, और ये काम करके बहुत सारे शेतकरी बांधवों को इसका फायदा हुआ। लेकिन माजी मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो बोले कि पाकिस्तान को जाने वाला जो पानी है वो भारत नहीं रोक सकता। हमने पूछा कि हमारे एरिया में जो पानी का स्केर्सिटी है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे, पाकिस्तान के पानी के बारे में आप क्यों चर्चा कर रहे, लेकिन उसका भी उत्तर वो नहीं दे सके। उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। मेरा उनसे एक ही प्रश्न है, आदरणीय हमारे नेता, देश के नेता अमित जी के साक्षी से मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपको उनकी इतनी फिक्र पड़ी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की फिक्र क्यों नहीं आपको, ये प्रश्न मुझे उनसे पूछना है। तरुणांना वाव दिला पाहिजे, युथला पुढे पुढे गेलं पाहिजे, पण मात्र आम्ही जी ये हमेशा कहते कि युथ जो तरुण है वो आगे जाना चाहिए, लेकिन
उमेदवारी मेरी नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि जिस जब वो यूथ में थे उनके पास सब पोर्टफोलियो से सब कुछ उनके हाथ में था, उस वक्त वो जब कुछ नहीं कर सके तो अब इस उम्र में वो क्या करेंगे, ये सवाल मेरा पूछ रहा हूं। आणि मग कुठेतरी खऱ्या अर्थाने त्या काळात सुद्धा आम्ही सुद्धा अपेक्षा केल्या होत्या या सगळ्यांकडनं की बाबा ह्यांच्याकडनं काहीतरी ह्या जिल्ह्याचं कल्याण होईल, जिल्हा तर सोडून द्या, निदान ह्या कराडचं कल्याण झालं असतं तरी आम्ही आपण धन्य मानलं असतं, ते सुद्धा झालं। फार बोलण्यापेक्षा आता आम्ही जींचे विचार आपल्याला ऐकायचे, पण मात्र एक सांगतो की वाजपेयींजींचं ज्या वेळेस त्यांनी सरकार पाडलं एक मताने, त्याच्या मग काही कारण नव्हतं, फक्त राजकारण होतं, फक्त राजकारण। तुम्ही विचार करा किती हजारो हजारो कोटीचं नासधूस झाली, तेच जर पैसे सर्वसामान्यांचे उपेक्षित वर्ग आहे त्याच्याकरता आणि या प्रोजेक्ट करता तर वापरण्यात आले असते तर हा संपूर्ण भाग आणि महाराष्ट्र केव्हाच मागच आणि हा देश मागच सुजलाम सुफलाम झाला असता। आता आपल्याला चूक करायची नाही आणि येत्या ह्या संपूर्ण मतदाना दिवशी कमळ या चिन्हावरती आणि आपले मित्रपक्ष जे आहेत शिवसेना या संपूर्ण त्या त्या मतदारसंघामध्ये आपल्याला फक्त बघायचं आहे तर फक्त कमळ आणि त्याच्याबरोबर शिवसेना धनुष्यबाण या दोन्हीच्या चिन्हावर आपल्याला शिक्का मोर्तब करून जास्तीत जास्त मतांतिकेने या सगळ्यांना निवडून आणायचं आहे।